नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक चलने वाला है, उस वाले टॉपिक में हम लोग एम्बेडेड ऑफ ए रिंग या फिर एम्बेडेड रिंग, मैं पहले लिख देता हूं नाम एम्बेडेड। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग एम्बेडेड रिंग या फिर एम्बेडेड रिंग इसकी बात करेंगे। आज हम लोग यहां पर इस वाले टॉपिक में एम्बेडेड रिंग या फिर एम्बेडेड रिंग की बात करेंगे और इस वाली वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स भी बनती हैं, उसे हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपको समझ आया? तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई दो सेट है, एक सेट है आपके पास आर और एक सेट है आपके पास आर डैश। ये आपको समझ है? आपके सामने कोई दो सेट है, एक R और एक का नाम दे दिया मैंने R dash। अब कंडीशन क्या हो रही है कि यहां पर ये जो R है और ये जो R dash है, इन दोनों के दोनों ने रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा और ये रिंग बन गए। ये आपको समझ आया? किसी भी दो ऑपरेशन के साथ इन्होंने रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा और ये रिंग बन गए। इसका मतलब अब इनडायरेक्टली ये आर और आर डैश का क्या नाम हो गया? रिंग। कि आपके पास कोई भी दो रिंग है, एक रिंग आर और एक रिंग आर डैश। ये आपको समझ आया? तो मैंने यहां पर मान लिया मेरे पास एक रिंग है आर और यहां पर मान लिया मेरे पास एक रिंग है आर डैश। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए यहां पर R से और R डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइन होती है आपकी, उसका नाम हमने कुछ भी दे दिया F। यहां पर R से लेकर R डैश के बीच में कोई भी एक मैपिंग डिफाइन हो रही है जिसका नाम हमने मान लीजिए F दे दिया। ये आपको समझ आया? अब ये जो मैपिंग R से लेकर R डैश पे डिफाइन हुई है, अगर ये वाली मैपिंग F जो है ये 1-1 भी हो गई और यही वाली मैपिंग जो F है वो होमो भी हो गई। होमो का मतलब होमोमोर्फिज्म भी हो गई। ये आपको समझ आया? आपके सामने कोई दो रिंग है, एक रिंग R और एक रिंग R डैश, और उसके बीच में आपका कोई मैपिंग डिफाइन हो रहा है F नाम का, और ये वाली मैपिंग अगर आपकी 1-1 भी बन गई और होमोमोर्फिज्म भी बन गई, तो इस चीज पे, इस जगह पे, इस रिंग R को कहा जाएगा एम्बेडेड रिंग। ये रिंग R जो है वो एम्बेडेड रिंग है। किसमें? R डैश के ऊपर। ये आपको समझ आया? तो मैं कहूंगा हेयर R इज ए एम्बेडेड रिंग इन R डैश। यहां पर ये जो R है वो एम्बेडेड रिंग आ गया R डैश के अंदर। यहां पर सिर्फ इसी का मीनिंग होता है कि आपके सामने जनरली कोई भी दो रिंग होंगी और उन दोनों के बीच में आपकी कोई भी अगर मैपिंग डिफाइन हो रही होगी, तो वो वाला मैपिंग अगर आपका डिफाइन हो रहा है, जनरली कोई सी भी मैपिंग डिफाइन हो सकती है, कोई कंपलसरी नहीं है कि ये परफेक्ट मैपिंग डिफाइन हो रही हो, जनरली कोई भी हो सकती है, इसलिए हमने उसका नाम यहां पर जनरल F दे दिया। तो वो वाली जो मैपिंग आपके सामने डिफाइन हो रही होगी R से और R डैश के बीच में, मतलब R टू R डैश पे जो आपकी मैपिंग डिफाइन हो रही होगी, अगर वो वाली मैपिंग आपकी 1-1 भी बन गई और वही वाली मैपिंग आपकी होमो भी बन गई, होमो का मतलब होमोमोर्फिज्म भी बन गई, तो यहां पर ऐसी चीज को, इस वाली रिंग R को कह दूंगा मैं कि ये जो R है वो एम्बेडेड रिंग है R डैश के अंदर। ये आपको समझ आया? कोई कंफर्म, कोई मतलब बड़ी लंबी चौड़ी सी इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि दो रिंग के बीच में अगर कोई भी मैपिंग डिफाइन होती है और वो मैपिंग आपकी 1-1 भी बन जाती है, होमो भी बन जाती है, तो यहां पर ऐसी इस रिंग को, इस वाले रिंग R को एम्बेडेड रिंग कह दिया जाएगा R डैश के अंदर। ये आपको समझ आया? यहां पर इसका नाम एम्बेडेड रिंग लिखा होगा और कुछ कुछ ऑथर इसको एम्बेडेड रिंग भी बोलते हैं। ये आपको समझ है? जैसे मैं कृष्णा की बुक फॉलो करता हूं तो उसमें एम्बेडेड लिखा हुआ है, आर कुमार की बुक में एम्बेडेड लिखा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ आया? इसके कुछ नाम और है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। सेम वही कंडीशन की अगर आर और आर डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइन हो रही है और वो मैपिंग आपकी अगर 1-1 है और होमो है, तो यहां पर R से लेकर R डैश को कहा गया था एम्बेडेड रिंग है। तो अगर आप अपोजिट चलेंगे तो आप ये कहोगे एंड R डैश इज द एक्सटेंशन रिंग ऑफ R। यहां पर ये कहा जाएगा कि जो R डैश है, अगर R डैश के अंदर एम्बेडेड हो रहा है, इसका मतलब R डैश जो है वो R का एक्सटेंशन रिंग है, या फिर R डैश इज द ओवर रिंग
ऑफ आर। यहाँ पर चार नाम है, आप किसी भी तरीके से उसको बोल सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी दो रिंग एग्जिस्ट करती है, एक रिंग आर और एक रिंग आर डैश, और उसके बीच में आपकी कोई भी मैपिंग डिफाइन हो जाती है एफ नाम की, और वो मैपिंग डिफाइन होने के बाद मैपिंग कुछ इस तरीके से बनती है कि वो वन वन भी बन गई और वो होमो भी बन गई, तो यहां पर ऐसी रिंग को अगर आर से आर डैश पर मैपिंग डिफाइन हो रही है तो आर को कहा जाएगा कि आपका जो ये रिंग आर है वो एम्बेडेड रिंग है, किसके अंदर, आर डैश के अंदर, या फिर आर जो है वो इम्बेडेड रिंग है, किसके अंदर, आर डैश के अंदर, या फिर आर डैश जो है वो एक्सटेंशन रिंग है, किसका, आर का, या फिर आर डैश जो है वो ओवर फील्ड है, सॉरी ओवर रिंग, रिंग चल रहा है ना, ओवर रिंग, आर डैश जो है वो क्या है, ओवर रिंग है, किसका, आर का, आप उसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर इसका एक मीनिंग था, बड़ा सिंपल सा मीनिंग था। अच्छा, इसी का एक स्टेटमेंट पहले हम तो अभी समझ रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। इसी का एक स्टेटमेंट और आता है, मैं आपको उसे भी समझा देता हूं, फिर दोनों का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के एग्जांपल पे आएंगे। आपको समझ आया? तो इसे रफ कर दे हम यहाँ पे, या रफ करने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा। देखिए, अब इसकी एक अलग तरीके की डेफिनेशन और आती है, दोनों डेफिनेशन सेम है, बस वहां पर उनका बोलने का तरीका अलग है। तरीका देखिए क्या है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक रिंग है आर, और आपके पास कोई भी एक रिंग है आर डैश। ये आपको समझ आया? ये न्यू डेफिनेशन है। और आर डैश में आपके पास कोई भी एक सब रिंग डिफाइन होती है, मान लीजिए एस डैश नाम की, आपके पास इस आर डैश में कोई भी एक सब रिंग आती है एस डैश नाम की, कोई भी हो सकती है, आर डैश की जितनी भी सब रिंग है उसमें से कोई भी एक सब रिंग हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक सब रिंग तो होनी चाहिए। तो आपके पास दो रिंग थी आर और आर डैश, और आर डैश में कोई एक सब रिंग आ जाती है, अगर आपको मिल जाती है एस डैश नाम की, और आर से लेकर एस डैश के बीच में कोई एक मैपिंग डिफाइन होती है आपकी फाई नाम की। सिंपल सी मीनिंग है, आपके पास दो रिंग थी आर और आर डैश, आर डैश का कोई ना कोई सब रिंग एस डैश एग्जिस्ट करता है, और आर से लेकर एस डैश के बीच में कोई एक मैपिंग डिफाइन होती है फाई नाम की, और ये वाली फाई मैपिंग जो है अगर ये वन वन भी बन जाए, ये वाली फाई मैपिंग अगर आपका ऑन टू भी बन जाए, और ये वाली फाई मैपिंग अगर आपकी होमो भी बन जाए, इसका मतलब यहां पर जो फाई आपके पास बन रहा है, जो ये फाई वाली मैपिंग डिफाइन हो रही है वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाए। आइसोमॉर्फिज्म का यही मीनिंग होता है कि कोई भी फंक्शन अगर आपके पास वन वन भी हो, ऑन टू भी हो और होमो भी हो, तो इसी फंक्शन को यहां पर आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो यहां पर आपके पास रिंग आर और इस सब रिंग एस डैश के अंदर एक मैपिंग डिफाइन होती है फाई नाम की, और वो फाई मैपिंग अगर आपकी आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि आपका जो ये आर है वो एस डैश के ऊपर एम्बेडेड रिंग है। आप बोल सकते हो आर जो है वो एस डैश में एम्बेडेड रिंग है, ये आपको समझ आया, या फिर आर जो है वो एस डैश में इम्बेडेड रिंग है, या फिर एस डैश जो है वो आर का एक्सटेंशन रिंग है, या फिर एस डैश जो है वो आर का ओवर रिंग है। ये आपको समझ आया? आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। तो यहां पर हम आपको फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हमने ये बताया कि एक रिंग लेनी है और उसका एक आर डैश लेना है, फिर उसके बीच में वन वन होमो होना चाहिए। यहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि एक रिंग जो आप आर ले रहे हो, और फिर आपको अगले स्टेटमेंट में बता दें कि उसके सब रिंग में लेना है, मतलब उसका कोई ना कोई सब रिंग लेना है, जनरली कोई भी हो सकता है, वो खुद सेम टू सेम आर डैश भी हो सकता है, क्योंकि हर एक सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। तो आपके पास ये एस डैश जो है वो खुद आर डैश के बराबर हो सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जनरली कोई भी सब रिंग आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक तरफ अब तो इसको रफ करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसे रफ करते हैं पहले थोड़ा सा, देखिए करें, क्योंकि दोनों में लिंक समझाना है आपको, और डेफिनेशन तो बड़ा आसान था लेकिन लिंक समझाना है, क्या मीनिंग हुआ दोनों का वो समझा देते हैं आपको। कि आपके सामने एक रिंग थी यहां पर आर, और एक रिंग थी आपके पास यहाँ आर डैश, और दूसरी तरफ हमने ये डायग्राम बनाया कि आपके पास एक रिंग थी आर और आपके पास एक अनदर रिंग थी आर डैश, जिसमें कोई सब रिंग आपका एस डैश जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको समझ आया? यहां पर हमने ये डायग्राम बनाया था कि आर से लेकर आर डैश के बीच में कोई एक मैपिंग डिफाइन हो रही है एफ नाम की, और ये मैपिंग आपकी वन वन भी है और ये मैपिंग आपकी होमो भी है। उसके अलावा दूसरी तरफ हमने ये डायग्राम बनाया कि आर से लेकर एस डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइन हो रही है फाई नाम की, और ये फाई मैपिंग आपकी वन वन भी है, ये फाई मैपिंग आपकी ऑन टू भी है, और ये फाई मैपिंग आपकी जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी है। तो यहां पर आप कंडीशन देखिए, आप दोनों को बोलने का मीनिंग आपका एक ही है, यहां पर आप चाहे इसमें
R से लेकर S डैश बोलें या फिर चाहे आप यहाँ पर R से लेकर R डैश बोलें तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। समझिए कैसे कैसे लिंक आपका एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में, मतलब दोनों किस तरीके से सेम है, कोई अलग नहीं है, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग आपका एक है, उसको समझिए। यहाँ पर सबसे पहली बात हमने ये बोली कि आपको कोई भी एक एस डैश मिलना चाहिए, मतलब एस डैश आपका एक सबरिंग मिलना चाहिए आर डैश का। तो इस बात का मीनिंग समझिए, आपके पास कोई भी एक सबरिंग मिल जाना चाहिए, आपके पास किसी भी एक रिंग के पता नहीं कितने सारे, मतलब बहुत सारे सबरिंग जो है वो डिफाइन हो सकते हैं, 2 की पावर n जो है वो सबरिंग डिफाइन हो सकते हैं फॉर एनी फाइनाइट नंबर n। तो आपके पास उसमें से कोई भी एक जनरल सबरिंग आपको सबसे पहली बात मिल जानी चाहिए। तो आपके पास ये जो सबरिंग है वो खुद एक रिंग के बराबर हो सकती है, और यहां पर हम खुद पूरा का पूरा रिंग लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो दोनों से मीनिंग आपका एक ही आ गया, ये आपको समझ आया। हमने क्या बोला, हमने आपको ये बोला कि आपके पास कोई भी यहां पर एक सबरिंग मिल जाती है, वो सबरिंग खुद एक रिंग के बराबर हो सकती है खुद, क्योंकि हर एक रिंग जो होती है या फिर हर एक सबरिंग जो होती है या फिर हर एक रिंग जो होती है वो खुद की सबरिंग होती है। ये स्टेटमेंट होता है कि एवरी रिंग इज ए सबरिंग ऑफ इटसेल्फ, ये आपको समझ आया। तो यहां पर आपके पास ये जो एस डैश है वो खुद आर डैश के बराबर हो सकता है, तो यहां पर हमने पूरा का पूरा आर डैश लिया है। सबसे पहली सिमिलैरिटी तो ये आती है। तो अगर यहां पर आपके पास कंडीशन ये आ जाती है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ एस डैश आ गया, ठीक है, आपका एस डैश जो है वो आर डैश के बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। उसके अलावा यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है कि आपका फंक्शन जो है वो 1-1 है, होमो है, यहाँ पर भी 1-1 है और होमो है, बस यहाँ एक कंडीशन आ गई कि वो फंक्शन आपका ऑन टू होना चाहिए। आइए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए आपके पास R में कोई भी डोमेन एग्जिस्ट करता है A1 नाम का, यहाँ पर A2 नाम का, यहाँ A3 नाम का, यहाँ पर A4 नाम का, ये आपको समझ आया। और आपके पास आर डैश में जो है वो कुछ कोडोमेन, मतलब आर डैश जो है वो कोडोमेन का काम कर रहा है, और इसमें भी कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं आपके, मान लीजिए B1 नाम का, यहाँ पर B2, यहाँ B3, ये वाला B4, ये वाला B5 और ये वाला B6 नाम का। समझिए काफी काफी डीप में समझा करिए चीजों को। तो आपके पास यहां से मान लीजिए आपकी कोई मैपिंग बन रही है जो कि 1-1 है, क्योंकि 1-1 तो दोनों में आ रहा है, तो आपका मैपिंग 1-2-1 डिफाइन होगा। तो मान लीजिए मैंने जनरल A1 जो है B1 से रिएक्ट कर रहा है, A2 B2 से रिएक्ट कर रहा है, A3 B3 से रिएक्ट कर रहा है और A4 जो है वो B4 से रिएक्ट कर रहा है। बाकी 2 एलिमेंट बच गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास डोमेन के सारे एलिमेंट फिल हो गए, मैंने सारे के सारे डोमेन की कोई ना कोई रेंज दिखा दी, मतलब आपका फंक्शन 1-1 बन रहा है क्योंकि हर एक डोमेन की एक यूनिक रेंज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तो पूरा इतना ये चारों का चारों जो एलिमेंट है वो कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट थे, मैंने समझाने के लिए 6 मान लिया, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल के टोटल 6 एलिमेंट थे, लेकिन उसमें से 4 ही कवर हो रहे हैं, बाकी के 2 कवर नहीं हो रहे। इसका मतलब यहाँ पे 6 एलिमेंट थे, मैं 4 को लेकर गया, तो जब 6 एलिमेंट में से मैं 4 एलिमेंट को लेकर गया, इसका मतलब मैं एक सबरिंग के ऊपर आ गया, मैं इस आर डैश की एक सबरिंग के ऊपर काम कर रहा हूं, ये आपको समझ आया। तो वहां पर भी उसका मीनिंग आपका यही है कि आपके पास आर डैश का कोई ना कोई सबरिंग होगा, ये आपको समझ आया। और उसके बाद यहाँ पर अगर ये सबरिंग का काम कर रहा है, मतलब जो आपके पास ये B1, B2, B3 और ये जो B4 लिखा हुआ है, ये सबरिंग का काम कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि इस सबरिंग में आने वाले सभी के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट कर रही है। इस सबरिंग में आने वाले सभी के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जो है वो जरूर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये आपका ऑन टू भी बन गया, ये आपको समझ आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यही तो मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास किसी भी एक आर डैश की अगर कोई सबरिंग आपको मिल जाती है, कोई भी हो सकता है, वो यहां पर जरूरी नहीं है A4 के साथ B4 आ रहा, हो सकता है A4 के साथ B5 आ जाए, तो B4 नहीं लूंगा मैं, यहां पर B5 ले लूंगा, ये आपको समझ है, कोई भी हो सकता है। तो आपके पास कोई भी उसकी सबरिंग अगर एग्जिस्ट कर जाती है और वो सबरिंग यहां पर भी आपके सामने 1-1 हो रही थी, यहां पर भी होमो हो रही थी, कंडीशन चाहिए थी ऑन टू वाली कि अगर ये भी ऑन टू हो जाता तो काम आपका चल जाता। तो आपके पास ये इस पूरे रिंग की सबरिंग, ये इतनी सी सबरिंग आई और इस सबरिंग की सभी के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जो है वो जरूर एग्जिस्ट कर रही है। देखो इस सबरिंग के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जो है वो जरूर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये आपका जो फंक्शन बन गया वो ऑन टू भी बन गया। तो फंक्शन ऑन टू बनते ही आपका दोनों डेफिनेशन का मीनिंग सेम हो गया ना।
अगर यहाँ पर छह एलिमेंट होते, यहाँ पर ए फाइव भी होता, यहाँ पर ए सिक्स भी होता, तो आपके पास कंडीशन यहाँ पर ये से रिएक्ट कर जाता, ये से रिएक्ट कर जाता, तो खुद पूरा का पूरा मेरे पास आर डैश कवर होता। आर डैश के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्रीमेज एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब यहाँ पे सबरिंग का काम आर डैश करता, इसका मतलब सबरिंग खुद एक आर डैश के बराबर हो जाता जब आपके पास यहाँ पर क्या बोलते हैं आपके पास जितने एलिमेंट यहाँ पर उतने ही एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। ये आपको समझ आया, तभी आपका फंक्शन वन वन बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर ज्यादा एलिमेंट हो और यहाँ पर कम एलिमेंट हो। एग्जांपल के लिए ऐसा नहीं हो सकता आपका कि ए वन हो जाए, ए टू हो जाए, ए थ्री हो जाए और यहाँ पर सिर्फ दो एलिमेंट बी वन और बी टू हो जाए। तो आप मान लो ए वन बी वन से कन्वर्ट कर दोगे क्योंकि आपका वन वन फंक्शन है, और मान लो ए टू बी टू से कर दोगे, फिर ए थ्री को कहाँ ले जाओगे? आपने डोमेन में पुट करा ए थ्री की वैल्यू लेकिन आपको रेंज में कुछ मिला ही नहीं, इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो आपके पास दो कंडीशन है बनने की, कि हो सकता है यहाँ पर एलिमेंट जो है डोमेन के एलिमेंट अगर आपके कम हो जाएंगे कोडोमेन के एलिमेंट से, काफी डिटेल में समझा करो चीजों को, अगर डोमेन के एलिमेंट कम हो जाएंगे कोडोमेन के एलिमेंट से, यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट चार थे, वो कोडोमेन के एलिमेंट से कम हो गए, इसका मतलब आपका सबरिंग वाला केस चलेगा। ये आपको समझ आया? और अगर आपका जो यहाँ पर डोमेन का एलिमेंट है वो बराबर आ गया कोडोमेन के एलिमेंट के, इसका मतलब आपका ये रिंग वाला केस चलेगा, और दोनों जगह से एक ही मीनिंग आ रहा है आपके पास। अगर आप सबरिंग में लेके जाते हो तो सबरिंग में देख रहे हो सभी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो गया। ये आपको समझ है? तो वही दोनों का सेम मीनिंग है, कभी भी डोमेन जो है वो कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आपके पास फंक्शन में डोमेन की कोई ना कोई रेंज एग्जिस्ट नहीं करेगी और ऐसा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता कि आप उसमें किसी भी वैल्यू की डोमेन उस फंक्शन में कोई भी आप उसमें इनपुट कर दो लेकिन आपको आउटपुट ना मिले, तो ऐसा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो आपके पास सिंपल सी कंडीशन है कि दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो डोमेन छोटा होगा कोडोमेन से, या तो डोमेन आपका बराबर होगा कोडोमेन के। अगर डोमेन छोटा हो जाता है कोडोमेन से तो आपके पास सबरिंग वाली कंडीशन लगेगी, समझ सकते हो, सिंपल से इमेजिनेशन की दुनिया में देख सकते हो। और अगर आपके पास डोमेन जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो आपके पास ये आर और आर डैश वाली कंडीशन लगेगी। ये समझ आया? तो ये यहाँ पर इसका समझाने का मीनिंग था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। क्या मुझे एक बार और समरी देनी चाहिए? जरूरत तो नहीं है लेकिन चलो एक बार दे देते हैं लास्ट समरी। हमने आपको यहाँ पर दो डेफिनेशन बताई है, एक डेफिनेशन ये बताया है, एक स्टेटमेंट ये बताया है। सबसे पहला नंबर का स्टेटमेंट कि अगर आपके सामने मान लीजिए कोई भी दो रिंग है, एक रिंग R और एक रिंग R डैश, और अगर R से R डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइन हो रही है, मैंने उसका नाम F दे दिया, और वो मैपिंग अगर जो डिफाइन हो रही है F नाम की, अगर वो वन वन भी बन जाती है और वो होमो भी बन जाती है, तो यहां पर कहा जाएगा कि जो R है वो एम्बेडेड रिंग है R डैश में, या फिर R जो है वो एम्बेडेड रिंग है R डैश में, या तो R डैश जो है वो क्या है एक्सटेंशन रिंग है R में, या तो R डैश जो है वो ओवर रिंग है R में। ये आपको समझ आया? अगली डेफिनेशन हमने आपको ये दी कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो रिंग एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पर दो रिंग एग्जिस्ट करती हैं, एक रिंग R और एक रिंग R डैश, और आप क्या करते हो R R डैश का कोई एक सब रिंग ले लेते हो S डैश, और R से लेकर उस S डैश के ऊपर मैपिंग डिफाइन करवाते हो, तो आपके पास वो मैपिंग जो डिफाइन होगी फाई नाम की, मैंने उसका फाई नाम दे दिया, तो वो मैपिंग आपकी वन वन भी होनी चाहिए, वो ऑन टू भी होनी चाहिए और वो होमो भी होनी चाहिए, और वो जैसे ही आपका वन वन ऑन टू होमो का मतलब आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा, वो रिलेशन आप कह दोगे कि R जो है वो एम्बेडेड है R डैश के ऊपर। ये आपको समझ है या फिर R डैश में? तो ये यहाँ पर इसका समझाने का मतलब था। आइए अब हम आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं, वैसे लिखवाना तो आपकी बुक में भी होगा लेकिन हम फिर भी अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरे करेंगे ही, और उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। कि स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आएगा कि लेट आर एंड आर डैश, आर एंड आर डैश बी टू रिंग सच डैट देर एग्जिस्ट, या फिर सच डैट देर एग्जिस्ट, या फिर देर डिफाइन सच डैट देर एग्जिस्ट, लिख दो देर एग्जिस्ट डिफाइन ए मैपिंग एफ सच डैट आर टू आर डैश एंड एफ इज ए वन वन एंड
होमो। अच्छा अगर कोई फंक्शन आपका वन वन भी हो जाएगा और होमो भी हो जाएगा, इसका मतलब उसका नाम मोनोमोर्फिज्म होता है, मोनोमोर्फिज्म। ये हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ होमोमोर्फिज्म पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था। मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूं। तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन जो है वो वन वन भी हो जाता है और वो होमो भी हो जाता है, उसका नाम मोनो बोल दिया जाता है। लेकिन आप वन वन होमो से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, मोनो याद रखेंगे फिर तो काफी बेटर रहेगा ना, कि दो से भले एक। तो वैसे ही वन वन होमो बोलो या फिर मोनो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपके पास देयर एग्जिस्ट डिफाइन ए मैपिंग एफ सच दैट आर टू आर डैश एंड एफ इज ए वन वन एंड होमो, देन R is said to be embedded ring in R dash, या फिर embedded ring in R dash, या फिर then R dash is said to be extension ring of R and या फिर or R dash is said to be over ring of R। आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं, चार नाम है यहाँ पर। उसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट हमने ये लिखा था जहां पर दोनों का मीनिंग एक ही था, आप किसी भी चीज को बोल सकते हैं। हो सकता है मैं यहां पर अभी पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। यहां पर आपके सामने मान लीजिए लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग एंड एच डैश इज द सब रिंग ऑफ R dash, और आपका जो S dash है वो सबरिंग है R dash का। एंड देन दे डिफाइन ए मैपिंग, देयर डिफाइन ए मैपिंग phi such that R to S dash and phi is a वन वन ऑन टू और होमो, जिसको मैं लिख दे रहा हूं आइसोमोर्फिज्म। तीन नाम से अच्छा एक नाम लिख दे रहा हूं। एंड फाई इज आइसोमोर्फिज्म, देन आर इज सेट टू बी एम्बेडेड रिंग ऑफ एच डैश। तो आपका होगा कि R जो है वो एम्बेडेड रिंग है एच डैश का, ये आपको समझ है। आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप किस चीज को हैंडल करोगे, मतलब आप किस चीज से क्वेश्चंस को करोगे, आप उसको तीनों चीज लगाओगे यहाँ पे, आप आइसोमॉर्फिज्म का मतलब वन वन ऑन टू और होमो लगाओगे या फिर वन वन और होमो लगाओगे, आसान कौन पड़ेगा, ये वाला। आप किसी चीज में सिर्फ दो ऑपरेशन लगाने से आपका काम हो जाएगा या उस चीज में तीन ऑपरेशन लगाने से आपका काम हो जाएगा, तो देखो भैया हम लोग हैं इंसान हर चीज में काम चोरी करता है, मतलब आलस करता है। तो हम लोग यहाँ पर दो चीजों को लगाएंगे, मतलब हम लोग कोई भी आपके पास रिंग होगा उसके सामने कोई ना कोई फंक्शन होगी तो हम वहां पे सिर्फ उसका वन वन और होमो चेक करेंगे, और वन वन और होमो की मदद से हम लोग साफ साफ कह देंगे कि अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो एम्बेडेड रिंग बन जाएगा, और अगर नहीं हो रही तो वो नहीं बनेगा। हमें ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों से मीनिंग आपका एक ही है, ये आपको समझ आए। तो इसलिए जब भी हम किसी क्वेश्चन को करेंगे हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि वहां पर हम लोग वन वन और होमो का यूज कर सके, ये आपको समझ आए। तो ये यहाँ पर इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था और ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब आइए हम लोग अपना एक आधा एग्जांपल लेके देखते हैं और एग्जांपल में फिर करके एक आधा फिर टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसे रफ कर दें, ठीक है, कर दें, ठीक है। देखो उसके बाद एग्जांपल आता है, बहुत ही आसान एग्जांपल है हमारे सामने, इसके ऊपर थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे भी अगर आप लोग मतलब थोड़े हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, हाई स्टैंडर्ड बोलने का मतलब अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट होते हैं तो आपके सामने एग्जाम्पल नहीं चलते, सवाल एग्जाम्पल होते हैं समझाने के लिए आपको कि ये जो आपने यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगी, ये आपको समझ है। बड़े होने पर आपके सामने स्टेटमेंट चलती है, थ्योरम चलती है, बस यही चलता है, आपके सामने एग्जाम्पल नहीं चलता। लेकिन आइए इसका एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो रिंग है, एक रिंग है R और एक रिंग है Q, ये आपको समझ आया। रिंग जेड मान लेते हैं, जेड का मतलब इंटीजर, हमने रियल नंबर ना लेके हमने मान लिया हमारे सामने कोई दो रिंग है, एक रिंग है जेड और एक रिंग है Q, ये आपको समझ आया, और ये दोनों रिंग होती भी है ये हमको पता भी है। तो आपके सामने दो रिंग है जेड और Q और इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन होता है आपका एफ नाम का, और वो फंक्शन कुछ इस तरीके से बिहेव करता है कि अगर आप उस फंक्शन के अंदर ए रखो तो रिजल्ट में आपको ए बाय वन दे देता है,
ए रखने का मतलब आप इंटीजर का एलिमेंट रख रहे हो और आपको रेशनल नंबर ए बाय वन दे देगा, समझ आए, क्योंकि ए बाय वन जो होता है वो आपका एक रेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके सामने जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके यहाँ पर a by 1 के लिए यहाँ पर ये एम्बेडेड रिंग बन जाए लेकिन a by 2 के लिए ना बने, a by 3 के लिए बन जाए, a by 4 के लिए ना बने। तो आपके सामने जनरल कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है यार, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी मैंने इसे बोला था कि जरूरी नहीं है आपके सामने हर एक फंक्शन जो होगा उस दोनों रिंग के बीच में एम्बेडेड रिंग बनाएगा, आपके सामने जनरल कोई भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए और यहाँ पर वो फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है कि f is equal to a by 1 जहां पर a एलिमेंट है z का और a by 1 एलिमेंट है Q का, क्योंकि आपके रिंग जो है वो Z से लेकर Q तक डिफाइन हो रही है, मतलब मैपिंग जो है वो Z से Q पे डिफाइन हो रही है, ये आपको समझ है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1-1 है और होमो है कि नहीं है, और अगर जैसे ही ये 1-1 होमो बन जाएगा आपका रिजल्ट जो है वो एम्बेडेड रिंग बन जाएगा, ये आपको समझ है। तो सबसे पहली बात यहां पर 1-1 की आती है, 1-1 हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी 1-1 कैसे चेक करा जाता है कि अगर आपके पास कोई भी दो रेंज आपस में आप ले लीजिए, कोई भी दो रेंज को उठाइए और उनको बराबर पुट करिए, बराबर पुट करने के बाद अगर उनकी डोमेन भी सेम आ जाते हैं तो फंक्शन आपका 1-1 बन जाएगा, अदरवाइज वो 1-1 नहीं बन पाएगा। तो मैंने मान लिया मेरे पास एक जो है एफ ए टाइप का फंक्शन है और एक जो है एफ बी है और मैंने दोनों को यहाँ पर आपस में बराबर पुट कर दिया। तो अगर एफ ए का मतलब ए बाय वन है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए बाय वन, तो एफ बी का मतलब बी बाय वन हो जाएगा और ए बाय वन का मतलब ए होता है और बी बाय वन का मतलब बी होता है, दिस इंप्लाइज दैट आपका ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ये आपको समझ है। तो ये फंक्शन तो आपका 1-1 बन गया। उसके बाद यहाँ पर होमो की बात आती है, तो होमो हमें दोनों तरीके से चेक करना है, दोनों तरीके से बोलने का मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला होमो भी और एडिटिव वाला होमो भी। तो एडिटिव वाले के ऊपर बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से दो एलिमेंट अगर ए और बी उठाएंगे और दोनों का सम करके फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए प्लस वाले ऑपरेशन के साथ, ये आपको समझ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ए प्लस का बी रखा है तो सामने वाला बंदा कहता है कि आप फंक्शन के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट ए रखोगे तो रिजल्ट में आपको यहाँ पर ए बाय वन मिलेगा। हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर a प्लस का b रखा है तो a प्लस b रखने का मतलब हमें रिजल्ट में a प्लस का b बाय वन मिल जाएगा, ये आपको समझ आया। अब इस a प्लस b बाय वन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a बाय वन अलग कर दे रहे हैं प्लस का b बाय वन अलग कर दे रहे हैं, ये आपको समझ आया। और जब हमने यहाँ पर a बाय वन और b बाय वन अलग अलग कर दिया तो आप देख सकते हैं कि a बाय वन का मतलब आपका एफ ए हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एफ ए आ गया और प्लस का b बाय वन का मतलब आपका एफ बी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एफ बी आ गया और आपने अलग अलग सेपरेट कर दिया। और जैसे ही आपने अलग अलग सेपरेट कर दिया फंक्शन आपका प्लस वाले केस के लिए होमो बन गया। अब लास्ट केस बचा है मल्टीप्लीकेशन वाला और मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे हमने फंक्शन के अंदर a और b नाम के दो एलिमेंट रखे हैं जहां पर a और b जो है दोनों के दोनों z से आ रहे हैं। यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू z। तो अगर हमने दोनों एलिमेंट रख दिया तो रिजल्ट हमें ये कहता है फंक्शन के आपको जो भी रखो उसके बटे में 1 लग जाएगा। तो हमने ए बी रखा है तो यहाँ पर ए बी के बटे में 1 लग जाएगा और ए यहाँ पर जो ये 1 है तो दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए बाय 1 अलग जाएगा और बी बाय 1 अलग जाएगा, ये आपको समझ आया। और a by 1 का मतलब आपका fa हो जाएगा और b by 1 का मतलब आपका fb हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। और जैसे ही ये रिजल्ट आपका प्रूफ हुआ ये फंक्शन आपका होमो बन गया, ये आपको समझ आया। तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन के लिए ये होमो बन गया था। एक छोटी सी बात करते हैं 2 मिनट की, फिर उसके बाद अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर ये a by 2 ले लिया होता तो ये मेरा 1-2 तो बन जाता क्योंकि इसके नीचे भी 2 आ जाता, इसके नीचे भी 2 आ जाता, 2 से 2 कट जाता, a is equal to b हो जाता। यहां पर बात करते हैं तो इसके नीचे भी 2 हो जाता, इसके नीचे भी 2 हो जाता, इसके नीचे भी 2 हो जाता, ये भी बन जाता, लेकिन यहां फंस जाते आप क्योंकि आपका इसके नीचे 2 आता, फिर आप इसको दोनों के नीचे 2 अलग अलग नहीं बांट सकते थे वरना 2 दुनी 4 हो जाता, 2 2 जा 2 नहीं रह जाता वो 2 2 जा 4 हो जाता। तो यहां पर आप आके फंस जाते कि अगर कहीं पर भी ए बी बाई 2 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ए बाई 2 और बी बाई 2 अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, ये आपको समझ आया। हमें या तो एक जगह 2 छोड़ना पड़ेगा या तो एक जगह 1 छोड़ना पड़ेगा तभी 2 आएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें दोनों के नीचे 2 चाहिए। तो आपका 2 वाला इस केस पे आके फंस जाता और इस केस की वजह से वो होमोमॉर्फिज्म नहीं बन जाता। ये बात हर जगह रेगुलर वेरीफाइड हो रही है, आपके नीचे अगर a के नीचे कोई भी नंबर अगर n आ जाए जहां पर n जो है वो बड़ा है 1 से, आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर लो कंडीशन आपकी सही नहीं होगी। सिर्फ 1 के लिए ट्रू है तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है
a by 1 के लिए ही ये कंडीशन ट्रू होगी, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब के लिए फेल हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर एम्बेडेड रिंग का टॉपिक था। हम लोग उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके फीडबैक दो, मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाकी हाँ, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।